वेलकम बैक टू माय चैनल बैक वेंचर। हम अपने डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज में हम लोगों ने अभी तक क्या टाइप्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन इन बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री एंड एवीएल ट्री के। दैट मीन्स हम कहने का मतलब ये हुआ, आज हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी ट्री इन डिफरेंट मोड। ओके, यहां डिफरेंट मोड का मतलब क्या होगा? इंसर्शन, फिर डिलीशन, फिर सर्चिंग। अगर आप यूजीसी नेट और गेट का प्रिपेयर कर रहे हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस दे विल आस्क यू 1 या 2 मार्क्स इंसर्शन केस, डिलीशन केस एंड सर्चिंग टाइम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री। इट में वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, फुल बाइनरी ट्री है, एन नंबर्स ऑफ नोड है, एरे इन सॉर्टेड फॉर्म में है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। या बाइनरी सर्च ट्री है, अगर मुझे इंसर्शन एंड डिलीशन करना है तो उसकी बेस्ट वर्स्ट टाइम डेटा वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या हो सकती है। चलिए हम वन बाई वन देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के सारे केसेस इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग। देन उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री का देखेंगे, बाइनरी सर्च ट्री। देन थर्ड हम लोग देखेंगे एवीएल ट्री, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइट बैलेंस्ड, हाइट बैलेंस ट्री। ओके, चले लेट अस स्टार्ट। हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्री से। ओके, बाइनरी ट्री फर्स्ट हम देखते हैं बाइनरी ट्री के बारे में। बाइनरी ट्री, ओके, बाइनरी ट्री में क्या हो सकता है? बाइनरी ट्री में आप मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन हो सकते हैं या 1 चिल्ड्रेन हो सकते हैं। सपोज अगर हम स्क्यू बाइनरी ट्री का बात करें, बाइनरी ट्री में क्या हो सकता है, हमारे पास मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन और 1 चिल्ड्रेन। ओके, 1 चिल्ड्रेन, ठीक है, मैक्सिमम 1 चिल्ड्रेन। सपोज हमने एक डिस्कस करते हैं एक केस को, सपोज हमने लिया 8, 2 एंड 1, ठीक है, ये किस टाइप की ट्री है, इसे हम लोग बोलते हैं स्क्यू बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री, ठीक है। अब इस पे हम डिफरेंट केस लगाते हैं। फर्स्ट वन हम लगाते हैं सर्चिंग, सर्चिंग का केस लगाते हैं। अगर हमें 1 को सर्च करना है, नोड 1, दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री, नोड 1 को हमें सर्च करना है। अब इस सर्च करने के लिए सबसे पहले हमें क्या, सबसे पहले हमें विजिट करना होगा रूट नोड। रूट नोड के बाद हमें देखना होगा कि इसकी वैल्यू 1 से उस रूट नोड से ज्यादा है या कम है। अगर कम है तो वो लेफ्ट साइड में होगा, फिर हमें चेक करना होगा। ऑब्वियसली अगर उसकी वैल्यू सबसे कम है तो वो लेफ्ट साइड के सबसे लीफ नोड पर होगा। लीफ नोड पर होगा तो हमें उस तक पहुंचने में कितने नंबर नोड्स की नोड्स ट्रैवल करने पड़े, मतलब गुजरना पड़ा, 1, 2, 3 ही हमारे पास क्या है, एन नंबर ऑफ 3 है, तो हमने कितने मूव किए, 3। तो दैट मींस अगर एक जनरल केस का हम बात करें कि एन नंबर ऑफ नोड्स अवेलेबल है, नोड्स अवेलेबल, तो हमें सर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा, सर्च टाइम इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन। ओके, तो उस लीफ नोड तक पहुंचने के लिए हमें एन टाइम लगेगा। आप देखिए ये ऐसे भी हो सकता है, इस तक पहुंचने के लिए हमें 1 2
थ्री फोर फाइव, हमारे पास फाइव नोड है, तो हमने वन को पास गया टू थ्री फोर एंड फाइव, तो देन इट विल बी टेक एन टाइम्स, एन टाइम्स का मतलब एन फाइव, एन फाइव यहाँ क्या है नंबर्स ऑफ नोड। ओके अब हम दूसरा बात करते हैं, सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं, इंसर्शन, इंसर्शन केस। सेम इंसर्शन केस में अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वी ट्रैवल ऑल द एलिमेंट बिफोर, हमें ऐड करने से पहले अगर हमें सेवन ऐड करना है तो मुझे एट के पास जाना होगा, एट के पास हमें जाने के बाद देखना होगा कि वह लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो हम ट्रेवल करते जाएंगे। दैट मीन्स अगर हमारे पास एन नोड्स अवेलेबल है, एन नोड्स आर अवेलेबल, देन इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ऑब्वियसली कि हमने एन टाइम्स में ही इसको कवर करना होगा। देन थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, डिलीशन, डिलीट करने के लिए। सेम आप सोचो जब हमें सर्च करने के लिए एन टाइम्स लग रहा है किसी ट्री में, तो हमें डिलीट करने के लिए उस नोड को कितना टाइम्स लगेगा, ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एन टाइम, एन टाइम। चलिए एक बार हम इसे अच्छे से फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगर हम बात करें बाइनरी ट्री नोड, नोड तो एक टेबल बनाएंगे इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग। तो अगर बाइनरी ट्री है इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ये सारे टाइम लगेगा किसमें, वर्स्ट केस, क्योंकि हमें एन नंबर्स ऑफ नोड ट्रैवल करना पड़ेगा, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। ओके बाइनरी ट्री के इंसर्शन टाइम ऑर्डर ऑफ एन, डिलीशन टाइम ऑर्डर ऑफ एन एंड सर्चिंग टाइम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट एंटायर सब्जेक्ट। ये हमेशा आपके यूजीसी नेट और गेट में ये क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं कि इंसर्शन टाइम कितना लग रहा है, डिलीशन टाइम क्या लग रहा है, अगर वो बाइनरी ट्री है, अगर वो एवीएल ट्री है या बाइनरी सर्च ट्री है। ओके ठीक है, अगर सेम बात करें बाइनरी सर्च ट्री का, बाइनरी सर्च ट्री इट विल बी टेक सेम टाइम ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, कैसे, चलिए हम ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली कैसे उसे लगेगा। सपोज हमने एक ट्री तैयार किया, ओके हमने एक ट्री बनाया, चले हमने एक ट्री बना दिया, एक ट्री हो गया, ठीक है। सपोज हमने एंट्री किया इधर फाइव फोर, इधर मान लीजिए थ्री वन, इधर सिक्स, नहीं नहीं इधर यहाँ पे हमने सेवन कर दिया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, चलिए बना दिया, यहाँ पे हमने किया फाइव, यहाँ पे नोड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिक्स होगा, सिक्स होगा तो यहाँ पे सेवन, हम इस यहाँ पे एट मान लीजिए कर दिया हमने, यहाँ सेवन कर दिया, यहाँ पे नाइन कर दिया, ओके ये हम इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है चल अब देखते हैं कि इसमें इंसर्शन कितना होगा, इंसर्शन इंसर्टिंग टाइम, डिलीट टाइम एंड सर्चिंग टाइम। अगर हमें एक नोड ऐड करना है जिसकी वैल्यू जीरो है, इस जीरो नोड को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम कहां गए, रूट नोड के पास, रूट नोड के पास जाने के बाद हमने चेक किया क्या वो जीरो की वैल्यू उससे कम है या ज्यादा है, अगर कम है तो हम लेफ्ट साइड में है,
लेफ्ट साइड आने के बाद हमने चेक किया कि वो फिर से लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, फिर हम गए फिर गए, तो इट विल टेक हम ट्रेवल्स ऑल द नोड्स वन बाई वन, सो इट विल बी टेक ऑर्डर ऑफ एन। सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं डिलीशन की। सपोज हमें 3 को डिलीट करना है, तो सबसे पहले 5 के पास जाएंगे, फिर उसके बाद 4 के पास जाएंगे, उसके बाद 3 के पास जाएंगे, सो इस वी ऑल्सो टेक ऑर्डर ऑफ एन। अगर हम बात करते हैं ये सर्चिंग का, सर्च करने के लिए अगर सपोज 9 सर्च करना है तो इट विल ऑल्सो टेक ऑर्डर ऑफ एन। लेकिन इसमें अगर हम बात करें बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री, तो यहां n इक्वल टू नंबर्स ऑफ नोड्स है, यहां n इक्वल टू हाइट, n इक्वल टू हाइट, दैट मींस हाइट ऑफ नोड हम बात कर रहे हैं, वी ट्रैवल थ्रू द हाइट, हाइट का ही बात कर रहे हैं, हाइट का बात कर रहे हैं, ना कि नंबर्स ऑफ नोड का बात कर रहे हैं। दैट मींस हियर यहां पे ऑर्डर ऑफ h भी हो सकता है और ऑर्डर ऑफ n भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं AVL ट्री का, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइट बैलेंसिंग बाइनरी ट्री भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हाइट बैलेंसिंग ट्री, ओके। अब देखिए अगर हम गए AVL ट्री का, ऑब्वियसली हमें पता है इसकी इंसर्शन डिलीशन टाइम में टाइम कितना लगता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम, ठीक है। तो अगर सर्चिंग टाइम का बात करें तो हमें सपोज हमने एक ड्रॉ किया 5 4 7 1 then 9, ठीक है, हमने एक ड्रॉ किया। अगर हम बात करते हैं सर्चिंग टाइम, सर्चिंग टाइम का, तो अगर हमें फॉर एलिमेंट वन के लिए हमें टाइम सर्च करना है तो हमें ट्रेवल क्या करना होगा, 5 then 4 then 1, दैट मींस हमने कितने नोड्स ट्रेवल किए हैं, 3 इक्वल टू हमने पुट किया ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि सर्चिंग टाइम कितना लगता है, ये इक्वल टू कितना होगा ऑर्डर ऑफ लॉग, क्योंकि हमें पता है कि वर्स्ट केस में बैलेंस ट्री के लिए टाइम ऑर्डर ऑफ बेस 2 लॉग एन होता है। सेम उसी तरह का हमें किस इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के लिए भी सेम पॉलिसी, इंसर्शन और डिलीशन, अगर इंसर्ट या डिलीट करना चाहते हैं सेम ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम, कोई डिफरेंस टाइम नहीं है AVL ट्री के लिए ऑर्डर ऑफ लॉग इन एंड सर्चिंग डिलीशन सारी चीजों के लिए। अब देखिए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सारे चीजों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए टेबल हमने बनाया, टेबल नोट, पहले हमने लिखा बाइनरी ट्री, BST बाइनरी सर्च ट्री, AVL ट्री। अब इसमें हमने क्या बनाया, इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग। तो बाइनरी ट्री, इंसर्शन, ऑर्डर ऑफ लॉग इन, ऑर्डर ऑफ लॉग इन, ऑर्डर ऑफ लॉग इन, BST ऑर्डर ऑफ लॉग इन, ऑर्डर ऑफ लॉग इन, order of login, and AVL tree order of n login, order of n login and order of login, ठीक है। ये सारे किस में है, worst case, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस, ओके, थैंक यू।